नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल जीके 24 नॉलेज पर। कैसे हो दोस्तों, सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी टारगेट डोज हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए है और ये भाग नंबर 4 है। इससे पहले दोस्तों मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वे भी ज़रूर देख लें। उनके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैंने आपको हरियाणा के जो सीएम सबसे लंबे समय तक रहे हैं उस पर भी एक वीडियो डिटेल से बनाई है, वो भी जाकर देख लें क्योंकि आपकी हर बुक में गलत दिया हुआ है और जैसे ही आप उस वीडियो को देखोगे तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिसने भी नहीं किया है और बेल के आइकन को दबा लेना ताकि मेरी जैसे ही ऐसी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। अब चलते हैं आज की वीडियो आगे बढ़ाते हुए। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सिरसा से मिले हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? ये सिरसा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी हिसार के शहर के रूप में। ये भी एकदम अलग क्वेश्चन है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई थी? हिसार शहर के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? तो ये दोस्तों ये थे नंबर 3 ऑप्शन फुलके मिसल के। जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? नंबर 3 ऑप्शन फुलके मिसल के। दोस्तों अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नंबर 4 क्वेश्चन, रजिया बेगम का मकबरा कहां पर स्थित था? तो दोस्तों ये प्रारंभत में जो है रजिया बेगम का मकबरा कहां पर स्थित था? कैथल के अंदर। ठीक है, इसका तो आपने सभी ने पता होगा कि रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है, कैथल के अंदर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5, वर्तमान हरियाणा सरकार के मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर 5 क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा सरकार के कितने जो मंत्री परिषद हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान के अंदर? ये 9 है। और राज्य मंत्री की बात की जाए तो दोस्तों 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इस क्वेश्चन को आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा सरकार द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? तो ये पशुधन बीमा योजना है, जो पशुओं के लिए बीमा योजना शुरू की गई थी, किस नाम से? पशुधन बीमा योजना। आपने जो है कमेंट में इसको बताना है कि पशुधन बीमा योजना कब से शुरू की गई थी, किसने शुरू की थी और किस जिले से शुरू की गई थी। दोस्तों इसके जवाब जो है आपने कॉमेंट में ज़रूर देना है, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्स योजना में निम्नलिखित में से किस जिले के अलावा सभी जिले को शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों ये काफ़ी बार, अब तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इस एग्ज़ाम के अंदर। ये सिरसा है जो एनसीआर जोन में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सिरसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं नंबर 2 ऑप्शन कार्बन के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं बाउल में जो विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक जो है धन सिंह है। काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन है? धन सिंह। दोस्तों वीडियो को जो है आप पूरी देखें, जैसे आप वीडियो को नहीं देखोगे तो आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट सकता है, तो आप ज़रूर देखें वीडियो को, लगातार देखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं पीपी सिंगल, जो जिन्होंने हरियाणा की हीरे लिखी पुस्तक जो है लिखी थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। पुस्तक से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 11,
तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक अमृत लाल मदान है। दोस्तों इनका एक उपन्यास भी है लाल धूप जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमृत लाल मदान का कौन सा उपन्यास है? लाल धूप, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक भी जो है अमृत लाल मदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सरकार के अनुसार 2010-11 के दौरान हरियाणा में प्रति हेक्टर कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत हुई है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी दो तीन बार रिपीट हो चुका है पहले एग्जामों में। 209.8 जो है किलोग्राम उर्वरक की खपत प्रति हेक्टर है हरियाणा के अंदर 2010 और 11 के अनुसार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के मैदानी इलाकों में निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो दोस्तों हरियाणा के मैदानी इलाकों में आम के पेड़ पाए जाते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है? तो दोस्तों ये है 2,53,51,462। आपको काफ़ी बुकों में दोस्तों 2,53,53 मिलेगी जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ये है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसे हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो ये देख सकते हैं आप, नंबर 3 ऑप्शन है ओपी चौटाला जो है हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हें प्राप्त है। सबसे ज़्यादा बार जो है ओपी चौटाला बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार कब संशोधित किया था? तो दोस्तों ये किया था 1973 के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा में जो वर्तमान में जो 2014 के अंदर जो चुनाव हुए थे उनके अंदर विधानसभा के अंदर 13 महिला सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 के भारतीय लोकसभा चुनावों में हरियाणा की इकलौती कांग्रेस लोकसभा सीट किसने जीती थी? तो दोस्तों ये जीती थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रोहतक से हैं जो। इन्होंने ही 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव में हरियाणा की इकलौती कांग्रेस ही लोकसभा सीट जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है? तो इसका तो आपने सभी ने पता होगा, नंबर 4 ऑप्शन अरावली पर्वतमाला। और दोस्तों अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों एक ही एग्जाम में आए हुए हैं। नंबर 1 शिवालिक पर्वतमाला जो है हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा का राज्य फूल कमल है। और हरियाणा का राज्य पशु कौन है? दोस्तों ये काला हिरन है, मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मान्यताओं के अनुसार पंचांडा तीर्थ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो पंचांडा तीर्थ है उसका निर्माण भगवान रुद्र शिव ने किया था, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंचांडा जो तीर्थ है उसका निर्माण किसने किया था? भगवान रुद्र शिव ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हंस देहर जींद में एक स्थान है, इस स्थान से निम्नलिखित में से कौन सा दिव्य व्यक्ति संबंधित है? तो नंबर 1 ऑप्शन ये ठीक है, यहाँ भगवान ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि के विवाह में भाग लिया और वह हंस की सवारी पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में 10 सौमेध तीर्थ स्थित है? तो ये जींद के अंदर जो है 10 सौमेध जो तीर्थ है जींद के अंदर है, आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा के किस ज़िले में कपाल मोचन मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों जो कपाल मोचन मेले का आयोजन यमुनानगर के अंदर किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो हरियाणा एग्जाम में आए हुए हैं। तरोरी की लड़ाई के बाद सिरसा किसके नियंत्रण में आ गया था? तो दोस्तों ये तरोरी की लड़ाई है न कि तरावड़ी की, काफ़ी अलग क्वेश्चन है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तरोरी की लड़ाई के बाद सिरसा किसके नियंत्रण में आ गया था? तो नंबर 3 जो ऑप्शन है वो ठीक है, नासिर उद्दीन कबाचा, ये नाम भी कुछ अलग सा ही है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा।
आप देख लें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर दो, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेयो को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था? तो ये बलबन को जो है, दिल्ली के किस सुल्तान ने मेयो को जो है नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था, ये बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानिया हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो ये देख सकते हैं, ये नंबर तीन ऑप्शन 1360 के अंदर जो है रानिया हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार की। इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच निर्णायक लड़ाई कब हुई थी? ये 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जो भी पानीपत के युद्ध हुए थे ये आप बड़े ही ध्यान से कर ले, इसके अंदर कभी भी 1556 हरियाणा में नहीं पूछ जाता, पूरी डेट पूछी जाती है। तो तीनों जो युद्ध है पानीपत के, पहला, दूसरा और तीसरा, इसकी आप पूरी डेट याद करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में 100% जो है 1% ज़रूर पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा को नोवे ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये नंबर तीन ऑप्शन, सर्वोत्तम बागवानी राज्य के रूप में जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोवे ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते ज्ञापन के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख ले बड़े ही ध्यान से। ये फरीदाबाद के अंदर जो है जियोनी जो मोबाइल कंपनी है, उन्होंने अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात, हरियाणा के वर्तमान खेल और युवा मामलों के मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? ये अनिल विज है, और अनिल विज कहाँ से विधायक है? अंबाला कैंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव समारोह के तहत आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता का नाम क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत केसरी दंगल रखा था जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरोंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लें, पुस्तक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप उपन्यास और पुस्तक ज़रूर याद कर लें। गरोंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर एक ऑप्शन रूप नारायण चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गीतांजलि के लेखक कौन है? तो दोस्तों बाल गीतांजलि के लेखक घमंडी लाल अग्रवाल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गीतांजलि के लेखक है घमंडी लाल अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से नया रंग के लेखक कौन है? तो नया जो रंग है उसके लेखक अनिता है, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, देख लें आप, नया रंग के लेखक कौन है? अनिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 10, जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जो है नाम रख दिया गया है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये जिसका भी नाम जो बदला हुआ है, दिल्ली और किसको जोड़ता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 9 है ये फाजिलका को दिल्ली से जोड़ता है, दिल्ली को फाजिलका से जोड़ता है। एक दोस्तों आप जो एनएच से संबंधित जो क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लें, जो नए हैं उनसे संबंधित जो अलग अलग नाम है उनके, जो पुराने नाम थे उनको भी याद रखना और जो नए नाम हैं उनको भी याद रखना, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों के निचले भाग से जो मारकंडा नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो ये सबसे छोटा ज़िला है पंचकुला, और दोस्तों वैसे यदि फरीदाबाद होता तो हरियाणा का फरीदाबाद ज़िला जो है सबसे छोटा है, और इन चार ऑप्शनों में जो है पंचकुला जो ज़िला है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 6/4/1991 से लेकर 23/7/1991 तक, आप जो है तीनों जो भी राष्ट्रपति शासन लागू हुए थे उनको भी याद रखना, डेट से जो है पूरी याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में हरियाणा में राज्यसभा की सीटें वोट अमान्य घोषित किए गए थे,
तो दोस्तों ये 14 जो वोट थे वो अमान्य घोषित कर दिए गए थे, जो राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हुए थे उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पंचकुला सीट से विधायक हैं, तो ये दोस्तों विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि पंचकुला सीट से कौन विधायक है, ज्ञानचंद गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किस पार्टी का गठन किया था, तो दोस्तों ये हरियाणा विकास पार्टी का जो बंसीलाल ने गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है, तो ये तापीय विद्युत जो पावर प्लांट है, ये दीनबंधु छोटूराम के नाम से यमुनानगर के अंदर तापीय, इसको भी आप जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने के पास हरियाणा के वन विभाग के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है, तो ये पिंजौर के अंदर जो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है, किस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने कहाँ पर की है दोस्तों, ये गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों को उनकी आबादी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो आप ये देख सकते हैं नंबर जो 3 है ये पहला है, और ऑप्शन जो है इसका एक ठीक है, नंबर 3 हिसार, नंबर 5 गुरुग्राम, नंबर 1 अम्बाला, नंबर 2 कुरुक्षेत्र और नंबर 4 पंचकुला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पेहवा में सरस्वती तीर्थ इन इनसे संबंधित होने के कारण प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो पेहवा के अंदर पेहवा में जो सरस्वती तीर्थ है वो दिवंगत दान करना या उन्हें आहुति देने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर, हरियाणा में चैत्र चौदस मेला इसके तट पर आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो चैत्र चौदस का मेला लगता है वो सरस्वती तीर्थ पर आयोजित किया जाता है। और दोस्तों जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 24 क्वेश्चन की, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंड दान किया था, तो दोस्तों ये किया था पहवा के अंदर। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंड दान किया था, पहवा में। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अश्विनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अश्विनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये दोस्तों जींद जिले के अंदर है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, भूल मत जाना। मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट टारगेट डोज के अंदर, धन्यवाद।